सोलन के उपायुक्त सभागार में दारलाघाट अंबुजा सीमेंट कंपनी में कार्यरत सभी परिवहन सहकारी सभाओं की बैठक डीसी सोलन की अध्यक्षता में की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित द माइनिंग एरियाज लैंड लूजर एवं प्रभावित परिवहन सभा को कार्य आवंटन करने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर लोगों की अंबुजा सीमेंट कंपनी में लैंड अधिकृत की गई और उनको प्राथमिकता के आधार पर कार्य मिलना चाहिए। गौरतलब है कि दारलाघाट अंबुजा सीमेंट कंपनी में आर्ट सोसाइटी में करीब 2900 मेंबर हैं, जिसमें केवल 600 लोग ही हैं। मीनिंग एरिया से 5 पंचायत के मेंबर हैं। जिसका जो मेन मोटो था दी माइनिंग एरिया लैंड यूजर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वर्क एलोकेशन से रिलेटेड, और इसमें सभी सोसाइटियां जो दालाघाट में अंबुजा सीमेंट में रन कर रही हैं उनको भी इन्वाइट किया गया था, और इसमें SDM साहब की थे, रेगुलेटरी कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व थी, और सारी सोसाइटी को इन्वाइट किया गया था। जिसका जो मेन मोटो था सोसाइटी में फ्रेश वर्क एलोकेशन को अलॉट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे आपका SDTO डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रांसपोर्ट सोसाइटी जो अंबुजा में रन कर रही हैं, ADKM है, और बागल लैंड लूजर है, गोल्डन लैंड लूजर है, कुरगन लैंड लूजर है, चंडी लैंड लूजर है, और एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट सोलन और एक्स सर्विसमैन HP हिमाचल प्रदेश, सभी सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव थे और उनसे कंसल्ट लिया गया मीटिंग में, तो सबकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज मिला है कि लैंड लूजर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कार्य मिलना चाहिए, और जैसा कि जिन लोगों ने घर और ज़मीन को लूज़ किया है, लोग लैंडलेस और हाउसलेस हुए हैं जो 5 पंचायतों से जिसके बिहा पे अंबुजा रन कर रही है, तो उन लोगों के लिए कार्य प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, तो सबकी इसमें कंसर्न पॉजिटिव कंसर्न मिली है।